वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले कुछ बेसिक जान लें, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले आखिर आए कहाँ से, ये क्यों भाई हम फॉर्मूला यूज करें, क्या इसका शॉर्टकट भी ट्रिक है? तो हाँ, इसका ट्रिक भी है। समझने के लिए आप एक लाइन में भी आप इस क्वेश्चन का आंसर 5.2 से दे सकते हैं। एपी से किसी प्रकार के क्वेश्चन एकदम ईजी शब्दों में यानी इजी लैंग्वेज में बिना लैंग्वेज का शॉर्टकट ट्रिक द्वारा भी बना सकते हैं। आप अपने मेहनत पर बस फोकस करते रहिए, एग्जाम आपका करीब आते जा रहा है। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए। देखिए, कहने वाले तो हमेशा कहते ही रहेंगे, उनको कर्म ही उनको सजा देगा, लेकिन आप मेहनत जबरदस्त तरीका से कीजिए, तैयारी मस्त तरीका से कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट ही शोर मचा देगा। यानी कि आपको मेहनत अपने लिए करना है ताकि रिजल्ट पूरा जमाना देखे। यहाँ गौर से देखिए ये ट्रिक कह क्या रहा है। यहाँ पे जब हम किसी लाइन, सबसे पहले समानांतर श्रेणी आपको हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, उसमें क्या था कि समानांतर यानी जो भी नंबर लिखा रहेगा तो बीच का गैपिंग, यानी बीच के गैपिंग को बोलते हैं सार्व अंतर, वो सब क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर किसे कहते हैं? सार्व अंतर डी को कहते हैं, डी को कहते हैं यहाँ पे सार्व अंतर। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर लाइन से सजा हो और बीच का गैपिंग यानी यहाँ चार चार का गैपिंग है, तो जो गैपिंग होता है चार का, चार में चार जोड़िएगा तब ना आठ मिलेगा, फिर आठ में चार जोड़िएगा यानी सब में क्या जोड़ना पड़ रहा है, चार जोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो सब में बीच का गैपिंग है उसी को हम लोग डी कहते हैं, ये हम बता चुके हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उससे पहले यहाँ समझ लीजिए, पहले वाले पद इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ए, कभी कभी ए वन भी बोलते हैं। ए वन क्यों? क्योंकि एक नंबर पर ये सब ए ही है, जितना भी लाइन लिखा ये सब क्या है, ए है। लेकिन अब सबको तो ए नहीं कह सकते, फिर कोई पूछेगा ए क्या है तो आप फंस जाएगा, तो इसीलिए इसको ए वन ए टू ए थ्री ऐसे नाम रख देते हैं। ठीक है, तो ये ए बोलो या ए वन बोलो, अंतिम पद लास्ट वाला जो है, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, 48 लिख दिए हैं। तो लास्ट वाला पते ना है कितना नंबर पे है, देखिए यहाँ पे ये तो पता है कि ये एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे है, ये तीन नंबर पे है, ये सब का है ए है, तो ए वन ए टू ए थ्री पता चल गया कि ए थ्री बराबर इतना है। ठीक है, लेकिन 48 कितना नंबर पे है ये नहीं पता है। तो नहीं पता है तो क्या मान ले, कि मान लो कि ये एन नंबर पे है, कुछ नहीं तो कहता है ए एन नंबर पे, तो इसको ए एन भी कहते हैं, इसको एल भी कहते हैं, कभी कभी इसका यूज एल के रूप में करते हैं हम लोग। यानी कि लास्ट वाले अंतिम पद को हम लोग ए एन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं, और नहीं तो पूछा जाएगा 48 का एनवा पद निकालिए, एनवा पद। अब यहाँ पे एगो नाम आया एनवा पद, nth टर्म लिखता है, nth टर्म, इसका मतलब क्या होता है, तो बोल रहा है कि ऐसे लिखते गए हैं और लास्ट में जो नंबर बचा है वो कितना नंबर पे आया है वो नहीं पता है। तो देखिए, आप इसको क्या बोलेंगे, तीन नंबर पे है तो तीसरा पद, इसको क्या बोलेंगे, दो नंबर पे है तो ये दूसरा पद आठ है, ये पहला पद चार है, फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे जब तीसरा पद 12 बोल रहे हैं तो यहाँ एन है, तो इसको एनवा पद 48 नहीं बोलेंगे, यानी कि एन का वैल्यू यानी कि नहीं, यहाँ नहीं पता है तो क्या बोलेंगे, एनवा पद 48, तो इसको हम लोग एनवा पद भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं और ए एन भी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह बनता है, आपसे क्वेश्चन बोलेगा, कुछ देर के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा पद आपको पता है, आपको बताए थे कि तीन नंबर पे जब निकालना हो तो डायरेक्ट जब ए थ्री तीन नंबर मान लीजिए यहाँ मिटा दें, अब पता करना हो यहाँ तीन नंबर पे क्या है, तो ए थ्री बराबर बताए थे ए प्लस टू डी लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, ए प्लस टू डी। यहाँ तीन होगा तो यहाँ दो होगा, अगर यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या दसवां पद, तो जब दसवां पद पूछ रहा है तो यहाँ ए दस पूछ रहा है, दसवां पद, क्योंकि यहाँ ए दसवां पद पूछ रहा है तो यहाँ लिखिएगा ए प्लस नाइन डी, क्या लिखिएगा ए प्लस नाइन डी, यहाँ दस है तो यहाँ नाइन डी, अगर पचासवां पद पूछे तो यहाँ 49D लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला है। आ नहीं तो आपको ये फॉर्मूला लगा के बनाना पड़ेगा, तो दोनों से एक ही आंसर आएगा। कुछ देर के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 12 था याद होना चाहिए, लेकिन तीन नंबर पे था, ए तीसरा पद हम पूछे हैं कितना है, कुछ देर के लिए मिटा दिए, देखिए 12 आएगा। ए कितना है, ए किसको कहते हैं, प्रथम पद को, यहाँ पे 4 है प्लस 2, और डी किसको कहते हैं, बीच के अंतर को कहते हैं, बीच के अंतर कितना है, तो बीच का अंतर यहाँ पे ए बराबर हो गया 4 और डी बराबर 8 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी डी बराबर 4 हो जाएगा, तो डी का मान 4 भर दीजिए, 4 और 4 दूना
आठ, आठ और चार कितना हो गया बारह। आप बताइए कि ये तीसरा पद बारह आया कि नहीं, यहाँ पे बारह ही तो था। तो यहाँ पे पूछा है कि चार आठ बारह डैश डैश 48 है, यानी ये नहीं पता है तो एनवा पद है ये। अब बोल रहे हैं इसमें एक दो तीन नंबर पे ये है तो दस नंबर पे क्या होगा, क्या पूछा है, दसवां पद पूछा है, ए दसवां। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 9D, एको घटा देते हैं। अब ये भी बताएं कि एको घटा के क्यों लिखते हैं, यहाँ देखिए ए प्लस 9 और D का, ए कितना है, ए का वैल्यू 4 है और 9 D का वैल्यू भी कितना है, 4 है। तो हो जाएगा 4 प्लस 9 चौका 36, 36 और 4 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 40। और नहीं तो एक और तरीका, फॉर्मूला जब ये बनाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बताइए ए एन का वैल्यू कितना है, तो यहाँ दसवां पद यानी दस नंबर पे। तो यहाँ देखिएगा इसको हम लिख रहे थे पहला पद, इसको लिख रहे थे दूसरा पद, यानी यही ना एन का वैल्यू है। तो यहाँ दसवां पद ए एन का मान दस दिया है, दस नंबर पे पूछ रहा है क्या है, ये ए बराबर दिया है 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी, ए 10 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9D। यहाँ देखिए ए 10 बराबर कितना हो गया 4, अच्छा यहाँ नहीं भरे हैं 9 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान 4 है, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 चौका 36 और 4 कितना 40 हो गया। तो इस हिसाब से भी 40 और इस हिसाब से भी 40, ठीक है। तो ये भी आपको पूछेगा दसवां पद बारहवां पद, तो जैसे आपको दसवां पद पूछे तो डायरेक्ट ये लिखिएगा 9D लिखिएगा, अगर पंद्रहवां पद पूछे पंद्रहवां पद तो डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, ए प्लस 14D, इसी में भर दीजिएगा वैल्यू। ए बराबर पता है डी दोनों के बीच के गैपिंग यानी सार्वंतर को डी कहते हैं, इस हिसाब से आपका निकल जाएगा, और नहीं तो ये फॉर्मूला भी है। अब हम यहाँ पे इसको गौर से समझिए ये क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज आप देखे होंगे, जैसे कि सब जानते हैं कि ये क्या है, पहला वाला है सब ए का वैल्यू है, सब किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ये भी ए 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 है, ठीक है, सब ए का मान होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। लेकिन जब ये पता आपसे पूछा जाए कि ए का वैल्यू कौन है, तो आप घबरा जाइएगा, क्या घबरा जाइएगा, कोई कहेगा ये 4 है, कोई कहेगा 6 है, इसीलिए एक नंबर पे है तो A1, ये A2, ये A3, ये A4 ऐसे कर दिया गया। अब ये पते ना है कि 4 के बाद से कितना नंबर पे है, तो जब नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है तो यहाँ लिख दिया गया n, ये an का वैल्यू बन गया। an को हम लोग क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं, इसको nवां पद भी बोलते हैं, एनवा पद ये भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ऐसे दे देगा 48, इसका कितना नंबर पे आएगा, एनवा पद इसका निकालिए, यानी n का मान निकालिए कि a कितना नंबर पे है, ये नहीं पता है इसीलिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, एन लिखे हैं। एक बात और आपको फिर से समझा दें, देखिए आप सुने होंगे कि अगर बोला जाए कि ये चौथा पद निकालना हो, ए चौथा पद, तो लिखते हैं ए बराबर ए प्लस 3D। अगर ये पूछा जाए कैसे, तो मान लीजिए कि चौथा पद निकालना है ना 4 नंबर पे, तो देखिए क्या होता है, ए का मान कितना है, पहला वाला ए का मान होता है, आ इसमें डी लिखा है, तो डी कहते हैं बीच के गैपिंग को, तो बीच में कितना का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, इसमें कितना का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, इसमें कितना का है, 2 का है, तो इस सब गैपिंग अगर बराबर है तभी वो AP है, अगर AP है तभी ये सब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए कितना है, 2 प्लस ये मेन वाला ए का वैल्यू होता है, प्रथम पद इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम पद, ही आपको बता भी चुके हैं, ठीक है, 3 और डी का मान कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 3 × 6 × 2 = 8, बताइए A4 कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं। तो ये एक ट्रिक लोग कहते हैं कि जब A4 निकालना हो तो यहाँ 3D लिखते हैं, अगर A2 निकालना हो तो यहाँ A+ A D लिखते हैं, माने यहाँ जितना रहेगा उससे ए गो कम डी में रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि A12 निकालना है तो लिखना पड़ेगा A+ A11 D, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे ऐसे करते करते 11 नंबर पे क्या आएगा वो पता चल जाएगा, सॉरी 12 नंबर पे क्या आएगा, ये A4 है ना, तो A12 नंबर पे क्या आएगा निकालना है, तो 11D लिखना पड़ेगा, A पता है ही 2 और D पता है बीच का अंतर। अब मामला ये उठता है कि जब यहाँ 12 है तो यहाँ 11 क्यों होता है, इस जगह पे 11 क्यों होता है। आप देखिए आपके पास अभी क्या है, A आपको निकालना है, मान लीजिए कि यहाँ पे A, ये यहीं पे देखिए इसको समझिए, आपको निकालना है A4, क्या निकालना है, A4, तो जब A4 निकालना है तो आप लिख दे रहे हैं A+ 3D, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मामला है कि तीन घटा के क्यों लिख रहे हैं। यहाँ देखिए आपके पास अभी क्या है, A पता है, कितना पता है, A पता है, A से
लेकर के यहाँ तक जाने में ठीक है को गो डी सहारा कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास ए दो पता है, कितना पता है दो, अभी आपको ए पता है और रास्ता में अगर यहाँ तक पहुँचना है फोर तक, तो ए गो यहाँ दो और तीन, यानी तीन गो डी मिल रहा है, को गो डी मिल रहा है, ए तो आपको पता है, अगर इसमें तीन गो डी जोड़ देंगे, कितना डी जोड़ देंगे तीन गो डी, तो वो क्या मिल जाएगा हमको ए फोर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ए फोर मिल जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला बना ए फोर बराबर ए प्लस थ्री डी, कितना बना ए प्लस थ्री डी बना, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको निकालना हो ए एट, तो ए तो पता है आठ तक पहुंचना है, तो सात गो डी करना पड़ेगा, एक डी दो तीन चार पाँच छः सात गो डी का गैपिंग रहेगा, इसीलिए ए तो पता हो गया, तो इस पर तो डी नहीं है, इधर से कहीं डी नहीं ना है, और डी तो सब बराबरे होता है, इसीलिए सात गो डी लिखते हैं। जब भी पूछे कि आठवां पद, तो क्या बोलते हैं सात गो डी लिखते हैं, और वैसे भी आपको हम बता चुके हैं चौथा पद पाँचवा पद छठा पद ये सब जितना भी होता है ये हम आपको समझा भी चुके हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे ग्यारहवां पद निकालें, कौन सा पद ग्यारहवां पद, तो क्या लिखेगा a प्लस दस डी, ए ग्यारह बराबर क्या लिखेगा a प्लस दस डी, ए का मान इसमें जो भी दिया है दो है तो भर दीजिए दस, और d का मान भी दो, तो कितना हो जाएगा दस दूना बीस और दो बाईस, a ग्यारह कितना हो गया बाईस। इस हिसाब से ये बाबू हमेशा एगो घट जाता है क्योंकि उतना डी आता है, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला ऐसे ही बना है, ए एन बराबर जो बना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है एन, एन किसको कहते हैं कितना नंबर पे है इसको देखो, लास्ट वाले वैल्यू को कहते हैं ए एन, क्या बोलते हैं इसको ए एन, समझिएगा। आ एन किसको कहते हैं, तो ये कोगो है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तो वो काउंटिंग तय करता है कि वो संख्या कितना नंबर पे है। तो मान लीजिए कि आपको हम बोले कि ए फोर निकालिए, यानी ए तो ए एन के जगह पे कितना निकालिए फोर, तो जब फोर निकालिए तो आप तो ट्रिक जानते हैं कि ए प्लस थ्री डी हो जाएगा ए फोर, तो देखिए ना यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ एन था तो हम क्या लिख दिए चार, तो यहाँ एन है तो यहाँ तुम क्या लिख दोगे चार, आ चार में से एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन, और डी है तो डी या प्लस में ए तो ए फोर, ए फोर बराबर हो गया कि नहीं ए प्लस थ्री डी। तो यहाँ जो होता है घटाते हैं तो कहते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो लिखते हैं हम तीन, ए पी कितना दिया है तीन छः नौ ऐसे कर देते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे पंद्रहवां पद निकालें, कौन सा पद निकालें पंद्रहवां पद ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन कर देता है। तो पंद्रहवां पद बोला है तो डायरेक्ट लिखेंगे, जब पंद्रह नंबर पे पूछा पंद्रहवां मतलब होता है जितना नंबर पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस चौदह डी। आखिर ये चौदह डी क्यों लिखते हैं, यहाँ देखिए जब इस फॉर्मूला में आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बताइए यहाँ क्या भरते हैं पंद्रह भरते हैं, यहाँ क्या भरते हैं पंद्रह, क्योंकि पंद्रहवां पद तो पंद्रहवां पद यानी वा पद या फिर एनवा पद, ये दोनों बात एक के हुआ, ठीक है। इसमें वा पद चाहे एनवा पद, यानी एन बराबर वा तो वा है, एन बराबर कितना पंद्रह है, तो जब यहाँ पंद्रह भराता है ए पंद्रह लिखते हैं तो चौदह डे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी एन का मानिए वहाँ क्या भरिएगा पंद्रह, अब पंद्रह में से एक घटेगा तो कितना हो जाता है चौदह को डी हो जाता है, क्योंकि एन का मान पंद्रह है आ ए प्लस चौदह आ डी है तो डी, तो यही तो फॉर्मूला बन जाता है ये भी ए पंद्रह बराबर ए प्लस चौदह डी। यहाँ देखिए तो जो भी यहाँ नंबर होता है उसमें एक घटा देते हैं, देखिए यहाँ पे पंद्रह है तो चौदह डी लिखें एक घटा दिए, वो कहाँ से तो इसी फॉर्मूला में देखो घटाना पड़ता है, एन जो भी हो यानी यहाँ एन देखिए यहाँ एन लिखा है और यहाँ भी n है, तो n जो भी हो उससे एक कम करना पड़ता है, यानी एक फॉर्मूला में ही घटाते हैं, तो n यहाँ जो भी रहता है वहाँ कम करते हैं, अगर a 50d होगा तो एक को कम करना पड़ेगा n में से, क्योंकि यहाँ 50 होगा तो ये 50 में से एक को घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा a बराबर ये कितना हो जाएगा ये प्लस 49d। इस हिसाब से देखिए अगर यहाँ पंद्रहवां पद पूछे तो डायरेक्ट लिखेगा ए पंद्रह बराबर ए प्लस चौदह डी, ठीक है। ए प्लस ए कितना है तो ए पहला वाला नंबर को ए बोलते हैं, आइए 14 डी का वैल्यू कितना है तो बीच के गैपिंग को कहते हैं डी, तो तीन गो का अंतर है तो यहाँ पे हो जाएगा तीन, तो हो जाएगा तीन प्लस चौदह तो यहाँ 42 42 और तीन 45। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि इतना का सर्व अंतर बताएं, तो सर्व अंतर कहते हैं बीच के गैपिंग को, सर्व अंतर किसे कहते हैं सर्व अंतर कहते हैं बीच के गैपिंग, तो घटा के देख लिए छः में से तीन जाएगा
तीन हो जाएगा या फिर नौ में से छह हो जाएगा, किसी का गैपिंग बराबर होगा तभी तो ये एपी है, समानांतर श्रेणी है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इस तीन एग्जाम्पल को समझ जाइए, समझिए कि आपका एपी का 5.2 का आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। देखिए क्या कह रहा है, दिया है यहाँ पे एगो एपी दे दिया। एपी का मतलब क्या होगा, एपी इसलिए है क्योंकि बीच का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। देखिएगा बीच का अंतर बराबर है, ये वो एपी दे दिया। इसका दसवां पद पूछा है कि एक दो तीन नंबर तक तो है, ऐसे ही चार पांच यानी दस नंबर पे क्या आएगा ये पूछा है। तो आपसे तो बताए थे एक का आंसर, ए दस पूछे तो क्या लीजिएगा, नौ गो डी लिख दीजिएगा, एगो घटा के, क्योंकि ए दस तक जाने के लिए ए से नौ कदम बढ़िएगा तो दसवां नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब पता कर ले ए बराबर कितना है, तो ए बराबर पहला वाला संख्या है, डी बराबर कितना है, तो d बराबर क्या होता है आगे वाला में से ये घटा देते हैं सात माइनस दो, या फिर कहीं से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा वो, ये पाँच है, d बराबर पाँच। तो भरिए ना a दो और प्लस नाइन है, डी का वैल्यू कितना है, तो d अभी निकाले आप कितना पाँच, तो ये हो जाएगा दो प्लस नौ पचे पैंतालीस, पैंतालीस और दो कितना हो गया सैंतालीस। ये आप समझ गए हो कि इस तरह से ये कैसे होता है डी। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में एकदम डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट टच करता है, अगर आप मिस करेंगे तो नंबर गंवा देंगे। फाइव लेसन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी वीडियो में से देखने को आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो फाइव लेसन को पूर्ण रूप से आप समझ गए, अदरवाइज बनाने में परेशानी हो सकता है। यहां देखिए अगला क्वेश्चन, ये अब इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। दो नंबर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि तीन है, आठ है, तेरह है, अठारह है, डॉट 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 का कौन सा पद कहीं ऐसे लिख के अठहत्तर होगा, यहाँ पे अठहत्तर दे दिया गया है। ठीक है, आखिरकार चलिए ये एक नंबर पे है ए वन, ये दो नंबर पे ए टू है, ए तीन नंबर पे तेरह है, चार नंबर पे क्या है, तो आखिरकार ये ए कितना नंबर पे है, अठहत्तर कौन सा पद है, कौन सा पद का मतलब कितना टर्म पर है, तो नहीं पता है तो ए एन मान लो, इसको नहीं पता है तो एन नंबर पे होगा, ए एन आपको पूरा दे दिया है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है ए एन का, आपको बताए भी थे ए एन को एल भी कहते हैं, ठीक है, या एनवा पद भी कहते हैं। ठीक है, ए एन बराबर होता है ए प्लस, ये एन नहीं पता है तो एन माइनस वन इंटू डी, पूरा ए एन ये कितना नंबर है ये नहीं पता है लेकिन अठहत्तर दिया है वैल्यू, प्लस ए का वैल्यू कितना है, तो पहला वाला होता है ए का वैल्यू, तो ए दिया है आपका तीन, प्लस एन नहीं पता है छोड़ दो, और डी का वैल्यू कितना है तो ये घटा के देख लीजिए कितना है, आठ में से तीन जाएगा तो पाँच हो जाएगा, अठहत्तर बराबर तीन प्लस पाँच में एन से तो फाइव एन और माइनस में फाइव। ठीक है, अठहत्तर बराबर पाँच में से जब तीन घटाओगे तो माइनस में दो प्लस में फाइव एन, इधर भेज के घटा लीजिए इसको तो हो जाएगा अठहत्तर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में दो बराबर में फाइव एन, ये हो जाएगा आपका अस्सी और बटा में फाइव एन, कटाइएगा तो हो जाएगा पाँच एन, पाँच कितना बचा यहाँ पे तीन, तीन बचेगा तो तीस हो जाएगा, पाँच छक तीस, एन बराबर सोलह, यानी एन कहाँ है यहाँ पे है, एन का मान कितना है सोलह, यानी कि ये सोलह नंबर पे क्या आएगा अठहत्तर आएगा, यानी इसका आंसर हो गया एन सोलहवां पद अठहत्तर होगा। जब चौथा पद यानी चारवां पद कितना है अठारह है, तीनवां पद कितना है तेरह है, यानी थ्री टर्म्स यहाँ पे, उसी तरह सोलहवां पद अठहत्तर, यही पूछा था अठहत्तर कौन से पद पर आएगा तो 16 नंबर पे आएगा, ये भी आप बहुत ही अच्छा तरीके से समझे होंगे। अब एक नेक्स्ट देखते हैं, इस पर भी बना सकते हैं लेकिन अलग एग्जांपल दे दिए, सेम टू सेम ये भी वैसे ही है, यहां नंबर दे दिए हैं दो चार छह डॉट डॉट करके 78 दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं सेवन, सॉरी यहां नंबर दिया है दो चार छह डॉट डॉट करके 58 दिए हैं, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि 58 कितना नंबर पे आएगा, तो ये एक दो तीन तो ये नहीं पता है तो एन ये बता चुके हैं, इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितने टोटल पद हैं, ये एक गो दो गो तीन गो बीच में कुछ होगा ना चार पाँच छः, लास्ट में कितना है 58, तो इस सब मिला के क गो नंबर लिखा गया, तो वही बात है दोनों तो क्वेश्चन एक ही है, आपसे पूछे कितने पद हैं, चाहे आपसे पूछे एन का मान क्या है, एन का मान या पूछे एनवा पद क्या है, ठीक है, तो सब बात एक है, एन ए का वैल्यू निकालना है, ये पूछ क्या रहा है कि टोटल संख्या क गो में लिखा गया है, जैसे एक दो तीन है
ठीक है, जैसे एक दो तीन चार, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आठ दस बारह। अब पूछेंगे हमें क गो पद लिखा गया है, तो एक दो तीन चार पाँच छः पद है, कितना पद है? छः पद है। उसी तरह दो से लेके अंठावन तक लिख दे तो इनमें क गो पद है, तो लास्ट वाला जितना नंबर पे आएगा उतना ही पद हो जाएगा ना, ठीक है। तो आई हो जाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा? ए एन हो जाएगा, पूरा को कहते हैं ए एन, ठीक है। आई कितना नंबर पे आएगा वो नहीं पता है, इसीलिए हम एन लिखे हैं, ठीक है। ए बराबर हो गया दो, डी बराबर घटा लो इसमें से चार में से दो जाएगा दो, और ए एन बराबर पूरा दे दिया है 58, और निकालना है आपको एन बराबर क्या। फॉर्मूला आपको पता है ही, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया है 58, ए प्लस एन नहीं पता है छोड़ दो, ए कितना दिया है? ए दिया है दो, और ये डी भी दो दिया है आपका। 58 बराबर 2 प्लस 2 में n से तो 2n, 2 में 1 से तो 2, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। 58 बराबर 2n कटाइएगा तो 2 दूना 4, 1 बचा 2 नवा 18, n बराबर 29। ये जो 58 है ना, ये 29 नंबर पे आएगा। इसका मतलब कि ये एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे, तीन नंबर पे, करते करते ऐसे कितना है? टोटल 29 गो टर्म है, जिसमें 29वां नंबर पे क्या है? 58 है। तो कितने पद हैं? तो 29 गो पद हैं। और 29, 58 कितना नंबर पे आया? तो 29 नंबर पे आया। तो एक एक गो तरीका से कई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट बहुत ही झक्कास लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो मिलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ फिर 5.2, तब तक के लिए जय हिंद।